नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। अनूपपुर जिले के बभनी गांव रंगी टोला में मंगलवार को मातम पसरा रहा। इस गांव के घर से कल तक 3 साल की बेटी गायत्री के खिलखिलाने की आवाज आती थी, लेकिन आज इसमें सन्नाटा है और इस सन्नाटे की वजह है खुद गायत्री का बाप संतराम। वो संतराम जो अपनी साली के साथ रहने के लिए हैवान बन गया, अपनी ही बेटी का गला घोट दिया। कल तक वह गांव के लोगों के बीच सीधा साधा आदमी था, लेकिन अब उसकी पहचान हत्यारे और हैवान की बन गई है। वहीं पुलिस की पूछताछ में पता चला कि संतराम अपनी पत्नी को छोड़कर साली को साथ रखना चाहता था। साली को इस बात पर एतराज था। साली संतराम के छोटे भाई हरवंश के साथ रहना चाहती थी। संतराम के छोटे भाई की पत्नी पिछले साल उसे छोड़कर चली गई थी और तभी से संतराम की साली हरवंश के साथ रह रही थी। संतराम ने पास के ही पहाड़ पर सोमवार को अपनी बेटी को ले जाकर उसकी हत्या कर दी। गांव के लोगों की माने तो संतराम का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटी से उसका लगाव बहुत था, लेकिन उसने भाई और पत्नी के साथ झगड़े में बेटी की बलि चढ़ा दी। संतराम बेटी की हत्या के बाद उसे सॉल से ढककर गोद में लिए हुए खुद ही पुलिस थाने पहुंच गया और यहां जुर्म कबूल कर लिया। छोटा भाई हरवंश मंगलवार को गांव में दिखाई नहीं दिया। गांव वाले भी उसके बारे में बताने से कतराते रहे। राजेंद्र ग्राम थाने की पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। वहीं संतराम की पत्नी प्रेमवती ने बताया कि वह सुबह अपने पति और बेटी के साथ घर का राशन लेने के लिए मायके जा रही थी। पति ने कहा, तुम आगे चलो, मैं आ रहा हूँ। वह बेटी के साथ घर में ही रुक गया। मैं मायके पहुँच गई तो फोन पर पता चला कि पति ने बेटी की हत्या कर दी। मैं सुनकर हैरान रह गई। जरा सा भी अंदेशा होता तो बेटी को भी साथ ले जाती। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।